संस्कार भारती महानगर एवं दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या मंगलवार को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वर्तमान में प्रासंगिकता विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां वर्तमान समय में भी प्रासंगिकता बनाई हुई हैं। साथ ही साहित्यकार डॉक्टर आद्या प्रसाद द्विवेदी ने अपने विचार रखते हुए मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर संस्कार भारती के महानगर अध्यक्ष राजीव केतन, डॉक्टर राजेश सिंह और डॉक्टर आद्या प्रसाद द्विवेदी सहित साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्कार भारती के महानगर अध्यक्ष राजीव केतन ने कहा, आज के समय में अमीना जरूर अपने एकलौते बेटे को, एकलौते पोते को, हामिद को ईदगाह जाने से मना करती है और आज भी हम अपने परिवार में अकेले अपने बाल बच्चों को नहीं जाने देते। प्रेमचंद की जो कहानी है ईदगाह, एक अजीब तरीके से आज के हिंदुस्तान में एक दुख भरी टिप्पणी में तब्दील हो जाती है। उसी तरह पंच परमेश्वर आज के सरकारों पर तिरस्कार भेजती है। पंच परमेश्वर में एक वाक्य लगातार समाज में गूंजता है, समाज के लिए गूंजता है। समाज हमेशा अगर साहित्य प्रेमी है तो रात उसको दोहराता है। बुद्धिजीवी वर्ग लोग भी, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए भी है, संस्था के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है। वह है बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कर। पंच परमेश्वर में प्रेमचंद जी ने उद्धृत किया है। प्रेमचंद के बारे में मान्यता है लोगों की, कुछ लोगों की, कि वो तो प्रकृति या वामपंथी रुझान में थे। ये कंट्रास्ट, ये विरोधाभास तो है और ऐसे विरोधाभास को तोड़ते हुए संस्कार भारती गोरखपुर की इकाई ने जो आज संगोष्ठी का विषय रखा है, प्रेमचंद की कहानियों में आपकी प्रासंगिकता कहाँ तक है, मैं इसके लिए, मैं इस साहस के लिए और इस विचारधारा को तोड़ने के साहस के लिए मैं आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सिद्ध करते हैं इस गोदान का जितना अधिक अनुवाद रूसी में हुआ है, चेक में हुआ है, पोलिश में हुआ है, चाइनीज में हुआ है, शायद उसका अनुवाद उड़िया में नहीं है, मराठी में नहीं है, कन्नड़ में नहीं है, मलयालम में नहीं है, बंगला में नहीं है। ये उसका प्रभाव, ये उसकी शोहरत, ये उसकी बुलंदी थी गोदान उपन्यास का। तो इसी 1936 के दिन थे जब मुंशी जी का मोहभंग होता है तो उनकी 5-6 कहानियां बड़ी बेजोड़ कहानियां थी, जिनके नाम है सदगत, जिनके नाम है ठाकुर का कुआं, जिनके नाम है सदाशिव गोहू, जिनके नाम है शतरंज के खिलाड़ी, जिनके नाम है पूस की रात और अंतिम कहानी है कफन। मुंशी जी के जीवन की अंतिम कहानी कफन, मुंशी जी के जीवन का अंतिम उपन्यास गोदान और मुंशी जी के जीवन का अंतिम समय 36। और 36 में ही मुंशी जी ने लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी। सज्जाद कहीं और मुलाकात आनंद ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता आपको करने है और मुंशी जी ने उसकी अध्यक्षता की लखनऊ में और वहीं में लंबा भाषण दिया साहित्य के बारे में जो कालांतर में निबंध ही बन गया जिसका नाम है साहित्य का उद्देश्य। वो सात कहते हैं साहित्य का उद्देश्य या साहित्यकार का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, तमाशा जुटाना नहीं है, राजनीति के पीछे नहीं चलना है, धर्म के पीछे नहीं चलना है, साहित्यकार को मशाल बन करके आगे चलना है और प्रकाश दिखाना है। ये मुंशी जी का भाषण का निचोड़ है, एक लंबा भाषण है जो कई पृष्ठों का है जिसे मुंशी जी ने 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता में बोला था और जिसकी आयोजक थे मुलाकात आनंद
मूलक राग आनंद और सज्जाद है। तो इस 30 और 36 के बीच में उनकी जो 500 कहानियां हैं, मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। डॉक्टर राजीव केतन, महानगर अध्यक्ष, संस्कार भारती। आज ये मुंशी प्रेमचंद जी के जयंती के पूर्व संध्या पर एक संस्कार भारती और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी और नाटक का आयोजन किया गया है। इसमें इस समय हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में आद्या प्रसाद द्विवेदी जी आए हैं और दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता राजेश सिंह जी हैं। और अभी एक लघु नाटक भी हुआ है जिसको यहाँ के नाटक कुछ कलाकार ने प्रस्तुत किया है। और ये चूँकि मुंशी पंचमी का कल जयंती है, इसलिए उसके पक्ष में आज ये पूर्व संध्या पर हम लोगों ने आयोजित किया है।